श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मैं सुश्री शोभना दवे गायत्री कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अपना सेवा दे रही हूँ। माँ गंगा की पावन गोद एवं ऋषियों की शोध स्थली हिमालय की दिव्य छाया सबके दुख दूर कर देती है और जैसे जीवन जीने की मर्यादा, अनुशासन और जीवन विद्या का पाठ पढ़ाती है, ऐसी तपोनगरी हरिद्वार में स्थित है देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो न केवल शिक्षा बल्कि जीवन मूल्यों का, जीवन विद्या का पाठ पढ़ाता है। विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही मानो दोनों हाथों से अपने पास आने का मौन निमंत्रण देता है श्री राम स्मृति उपवन। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जन्म शताब्दी 2011 के उपलक्ष में वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत परम आदरणीय श्रद्धे डॉक्टर साहब द्वारा शांति कुंज गायत्री कुंज हरिद्वार तथा सभी शक्तिपीठों में श्री राम स्मृति उपवन का सृजन करने का संकल्प लिया गया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में उसकी स्थापना सितंबर 2011 में हुई और अब तो पूरे देश में 40 से 50 श्री राम स्मृति उपवन की स्थापना की गई है और विदेश में भी श्री राम स्मृति उपवन बनने जा रहा है। उपवन में विविध प्रकल्प खड़े किए गए हैं, जैसे कि पर्यावरण, स्वास्थ्य, स्वावलंबन। इसका मूल उद्देश्य है पर्यावरण में संतुलन लाना और लोगों को उसके प्रति जागरूक करना। स्वास्थ्य, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, यह भावना लेकर सभी को निरोगीता और स्वास्थ्य प्राकृतिक रीति से प्रदान करना। स्वावलंबन, जिसमें जूस और प्राकृतिक आहार कैसे तैयार करना है उसका मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण दे करके जब वह क्षेत्रों में जाते हैं तो उसके द्वारा वह रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, और जब छात्र छात्राएं इंटर्नशिप में जाते हैं तभी भी उनको यह सिखाया जाता है जिससे वो दूसरों को स्वास्थ्य भी प्रदान कर सके और पवित्र, सात्विक, संतुलित, पौष्टिक आहार भी दे सके। पर्यावरण प्रकल्प अंतर्गत 200 से अधिक जीवनदायी दुर्लभ औषधियाँ और उसके वृक्ष लगाए गए हैं। उपवन में वास्तुमंडल वाटिका, नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका, राशि वाटिका, त्रिवेणी, पंचवटी जैसी वाटिकाएं जैसे साइको इम्यूनिटी बढ़ाती है, नकारात्मक विचार, नकारात्मक भाव अपने अंदर की विकृतियां दूर करती है, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर मन को शांत एवं प्रसन्न करती है। स्वास्थ्य के प्रकल्प अंतर्गत एक्यूप्रेशर पथ बनाया गया है। एक्यूप्रेशर एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की शाखा है जो आश्चर्यजनक रीति से मात्र 2 या 3 मिनट में दुख दर्द में फायदा करती है। यह चिकित्सा विज्ञान एवं प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित सरल, सहज, सुलभ और सर्वोपयोगी है।
उपवन में ऐसा पथ तैयार किया गया है कि जिसमें नंगे पैर चलने से पैरों के तलवों में स्थित शरीर के अंतरंग अंग अवयव के सापेक्ष बिंदु पर दबाव पड़ता है और इससे नस नाड़ी में जो अवरोध उत्पन्न हुए हैं उसको अपने आप दूर करता है। यहाँ घुमावदार रास्ते पर बने एक्यूप्रेशर पथ जिसमें गेरुआ रंग जो है वह मध्यम सामान्य, हरा रंग मध्यम और सफ़ेद रंग जो है वह उच्च एक्यूप्रेशर पथ है और उसके ऊपर चलने से शरीर के नस नाड़ियों में अवरुद्ध चेतना को न केवल संचार होता है अपितु विभिन्न भागों में ऊर्जा के असंतुलन को दूर कर रोगों का निवारण होता है। यहाँ मंत्र के साथ जलप्रपात की कलकल करती हुई मधुर ध्वनियों के बीच सविता ध्यान प्राणायाम केंद्र, प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का मंदिर, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा, माता भगवती प्राकृतिक आहार केंद्र अपने आप में अनूठा है। आम्रकुंज में बीचों बीच यह सब बहुत ही मन को शांत और स्वस्थता प्रदान करता है। एक उक्ति है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। उसके अनुसार अगर हमें स्वस्थ स्वच्छ मन चाहिए तो हमारा आहार सात्विक और प्राकृतिक होना चाहिए और उसकी पूर्ति करता है माता भगवती प्राकृतिक आहार केंद्र। वह सभी को निरोगी और स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध ताज़ा फल तथा सब्जियों का जूस औसत मूल्य पर उपलब्ध करवाता है। गेहूं का ज्वारा, अंकुरित अन्न, एलोवेरा जैसी अमूल्य औषधि सहज ही उपलब्ध है और बीट, लौकी, गाजर, पालक, पुदीना आदि यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती द्वारा उगाया जाता है और उसका ताज़ा शुद्ध जूस उपलब्ध करवाते हैं। छात्र छात्राएं अपनी पूरी जीवन शैली बदल देते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योग प्राणायाम ध्यान यज्ञ आदि करना और उसके बाद प्राकृतिक आहार केंद्र का ताज़ा शुद्ध जूस तथा प्राकृतिक अंकुरित आहार का नाश्ता करना वह उनकी आदत हो जाती है और जब घर वापस जाते हैं तो वह उनकी कमी महसूस करते हैं। उनको घर जाकर के भी उसका उपयोग कर सके इसके लिए एक किताब भी बनाई गई है जिसका नाम है सात्विकता बढ़ाए निरोग रहे और यह किताब के अंदर पूरे यहाँ जो जूस उपलब्ध करवाते हैं, जो पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाते हैं वह सभी की रेसिपी, मतलब उसको कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या चाहिए, उसमें क्या गुण है, कौन से रोग पर उसका उपयोग किया जा सकता है, यह सब दिया गया है और उसके साथ में दिनचर्या, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए और कैसे हमारे अंदर सात्विकता बढ़े उसके ऊपर भी सारा कुछ बताया गया है। तो ये है श्री राम स्मृति व उपवन और माता भगवती प्राकृतिक आहार केंद्र का महत्व जो अपने जीवन में बाद में भी उपयोग में आता है। ओम शांति।